जो हैं गिरफ्तार किए गए, तो क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? देखिए, हमको आज सुबह ही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ दो वहाँ पे मशकूक लोगों की अफराद की मूवमेंट है, और इस गाड़ी को जो है जिसके बारे में हमें इतला मिली थी उसको ट्रैक किया गया, और उसमें हमने जॉइंटली एक 29 आरआर जो आर्मी की है उसके साथ और सेकंड एसएसबी के साथ ये अरेस्ट हम कर पाए, और इसके साथ साथ हमारी वहाँ पर जो सर्च हुई उसके उसमें हमें जो है रिकवरी भी हुई, दो पिस्टल्स और दो ग्रेनेड्स, साथ साथ उनकी मैगजीन और कुछ असला इसका बरामद हुआ है। ये दो लोग जो इसमें अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम वाकिफ़ है और दूसरे का नाम दानिश है, दोनों छान खान सोपोर के हैं, और इनका इनकी वाबस्तगी जो है वो जैश मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप के साथ सामने आई है अभी तक, और बाकी जो इसमें इन्वेस्टिगेशन हैं वो चल रही हैं। इन्होंने कब ज्वाइन किया था सर? देखिए, जैसे कि हमने कहा कि रिसेंट डेज़ में जब हमने देखा है कि नया एक फीचर आया है हाइब्रिड टेररिस्ट वाला, तो इनका जो वाबस्तगी है पिछले कई सालों से इसमें रही है, इस मामले में इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है और ये पहले भी बन रहे हैं, और ये विदाउट एक्टिवली जाहिर किए हुए इनकी इस ग्रुप की एक्टिविटीज चला रहे थे। कोई फाइनल मिलिटेंट भी इनके साथ? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, इसमें डिटेल जैसे आएंगे आपको बताएंगे। तो रिकवरी क्या हुई वहाँ पे? मैंने जैसे बता दिया ऑलरेडी कि दो पिस्टल्स, दो ग्रेनेड्स और इनके साथ की मैगजीन्स और बाकी जो असला है वो मिला है। तो अगर हम नॉर्थ कश्मीर के हवाले से बात करें, इस वक्त तक कितने मिलिटेंट यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे फॉरनर्स की बात करें या लोकल्स की बात करें? देखिए, ओवरऑल नॉर्थ कश्मीर के बारे में तो मैं मेरा बताना ठीक नहीं रहेगा। जहाँ तक बारामूला की बात है, हम ये कह सकते हैं कि बहुत कम जो है मिलिटेंसी का असर रहा है यहाँ पर, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम बारामूला को जो है वो मिलिटेंसी फ्री रखें।